न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, मैनपुरी सीट पर इस वक्त चर्चा जोरों पर है और मैनपुरी सीट जो है इस वक्त यूपी की सियासत में बड़ा मुद्दा बन चुकी है कि मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव किसको उतारते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त हर प्रत्याशी को देख परख रहे हैं कि कौन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी पहले ही चुनौती दे चुकी है अखिलेश यादव को कि यहाँ सीधे तौर पर वो इस सीट को कब्जाएगी। जिस तरीके से गोला गोकरनाथ सीट पर कब्जा किया है, उसी तरीके से मैनपुरी सीट पर भी कब्जा होगा, लेकिन यहाँ वो चीज होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अखिलेश यादव जो है अखिलेश यादव पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। तो कहा यह जा रहा है अब कि अखिलेश यादव जो कि मैनपुरी सीट पर अभी इस वक्त ताकत झोंकने की फिराक में है, दमखम के साथ लगे हुए हैं, उनके सामने चुनौती आ सकती है। और ये जो चुनौती है ये शिवपाल यादव के रूप में आ सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव को मैनपुरी सीट से कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक भी अखिलेश यादव ने नहीं सौंपी है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मैनपुरी सीट पर शिवपाल यादव अपनी सीट से अखिलेश यादव को चुनौती दे सकते हैं, अपनी सीट मतलब अपनी जो पार्टी है उनकी परसपा उससे चुनौती दे सकते हैं। और अगर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश दोनों में भिड़ंत होती है तो यहाँ इसका पूरा पूरा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें चुटकी ले सकती है, लेकिन दोनों में जो भिड़ंत के आसार नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये होगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि देखिए शिवपाल यादव की तरफ से तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि चापलूसों के बीच से घिरे हैं इस वक्त अखिलेश यादव। मैनपुरी सीट का चुनाव उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया है, देश के लिहाज से भी प्रदेश के लिहाज से दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। तो ऐसे में बिल्कुल ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव पूरी तरीके से टक्कर दे सकते हैं यहाँ अखिलेश यादव को। हालांकि अखिलेश यादव इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये देखना होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।